हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग मौजूद हूं हम लोग इस समय घोसी। हम लोग जा रहे हैं अपना बलेनो कार को धुलाने। तो जैसे देख सकते हैं, हमारा फ्रेंड है। हेलो गाइस। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हैं आप दोस्तों कि हम इस समय हम लोग मधुबन मोड़ के पास हैं। तो आज हम लोग चल रहे हैं आप लोगों को कार धुलाने के लिए। तो आप लोग इस ब्लॉग को अंत तक देखिए। तो कुछ इस तरह नजारा देख सकते हैं दोस्तों मधुबन मोड़ का। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अपने कार को सिर्फ एक मिनट में नए जैसा किस तरह बना सकते हैं। यदि दोस्तों आप घोसी के रहने वाले हैं और हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कार धुलाने के पास। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए। घोसी मधुबन रोड का कुछ इस तरह नजारा देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्रेंड है गोविंद, जो कि जा रहा है अपना कार धुलाने के लिए। और ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अभी जस्ट क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग अपना कार धुलाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह कार धुलाया जाता है। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहीं से हम लोग की माय गॉड, यहाँ तो बहुत भीड़ है। यहाँ पर गाइस बहुत भीड़ है। तो यहीं पर हम लोग धुलाएंगे कि कहीं और? बताओ। नहीं, दूसरी जगह उतना टाइम नहीं हम लोग के पास। तो गाइस, यहाँ से हम लोग अपना चेंज करते हैं। कहाँ पर है? मानिकपुर असना सुल्तानपुर रोड नहर घोसी चौक घोसी मऊ। तो गाइस, यहाँ से हम लोग रिटर्न चलते हैं। अब देखते हैं कोई दूसरे जगह पर जहाँ पर खाली हो। हम लोग के पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर रुके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना भी नंबर लगा है गाइस गाड़ी धुलाने में। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कोई दूसरा सा जगह लोकेशन खोजते हैं जहाँ पर लोग की कार को बिना किसी टाइम का धुलाए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग को मिल गया एक ही यहाँ पर कार है, जो कि अर्पिका है। उसको अभी नंबर है, उसके बाद हम लोग का नंबर अभी आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो कि हम लोग का कार धुला रहा है इस समय। आप देख सकते हैं ये भैया आप लोगों को लोग कार को धो रहे हैं। इसमें समय लगेगा आधी घंटा तक। तो चलिए, अब तक धुला रहा है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों का कार धुल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग का कार धुला चुका है और आप लोगों को दिखाते हैं हम नजारा पाने कार का। तो कुछ इतना क्लियर हो गया हम लोग का कार। दोस्तों, यदि अपने कार को आप भी सिर्फ एक मिनट में नए जैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कार को आप धुलवाइए। धुलवाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए धूप में रखिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश करवाइए, आपका कार एकदम नए जैसा हो जाएगा। अगर कोई सजेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। और दोस्तों, चलिए अब करवाते हैं अपने कार को पॉलिश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिश करने वाले भैया हम लोग के कार को अच्छी तरह से पॉलिश कर रहे हैं। और पॉलिश करवाते समय आप वहीं पर रहिए, अच्छे से करवाइए पॉलिश। और दोस्तों, जो कि हम लोग अपने कार को जहां पर धुलवाए हैं, पॉलिश करवाए हैं, खान TVS के जस्ट बगल में। तो फाइनली आप देख सकते हैं हम लोगों का कार का लुकिंग की कितना खूबसूरत हो गया है पॉलिश होने के बाद। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग अपने कार को धुला लिया हूँ। जैसे कि देख सकते हैं हमारा फ्रेंड, हम लोगों को तकरीबन यहाँ पर एक घंटा रुकना पड़ा। तो हम लोग का आज कार भी धुला गया और हम लोग का कार का वॉश भी हो गया। तो आप लुक देख सकते हैं दोस्तों कि कितना खूबसूरत हम लोग का कार इस समय हो गया। हमारा फ्रेंड। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही था कि हम लोग आज घोसी में आए थे, अपना घूमे और कार धुलाए। तो
कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा छोटा सा वीडियो? यदि दोस्तों आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप मऊ जिले के रहने वाले हैं और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारा वीडियो मऊ जिले के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ। तब तक के लिए चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।